तो यार आज मैं आपको लैपटॉप बताऊंगा ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। सीधी बात करते हैं, नंबर फाइव की ज्यादा समय मैं खराब नहीं करने वाला, नंबर फाइव की बात कर लेते हैं। तो नंबर फाइव की बात करते हैं, लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जो आपको लैपटॉप बताऊंगा वो दो कैटेगरीज के लिए बहुत ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस के रिलेटेड, दूसरा आता है एज अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, आपके लिए मैं बताने वाला हूं। तो बात करते हैं सीधी नंबर फाइव की। नंबर फाइव पर यार मैंने रखा है HP फॉर्डिन को। तो यार बहुत बंदे ऐसे मैसेज करते हैं जिनको HP का ही लैपटॉप चाहिए होता है, जिनको डेल का ही लैपटॉप चाहिए होता है। अगर आप भी उनमें से आते हो तो भाई आप जा सकते हो HP फॉर्डिन की ओर। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं, ये दो कलर्स में देखने को मिलता है, ब्लैक कलर में एंड सिल्वर कलर में। ब्लैक कलर में ज्यादा सूट करता है, अगर आप उसके ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। डिस्प्ले क्वालिटी आपको एवरेज देखने को मिलेगी, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो 40,000 के बजट में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलेगी, बट इसके स्पेसिफिकेशन आपको सही मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करूं, आपको i3 देखने को मिलेगा, 10th जनरेशन के साथ में मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा। तो आप देख लेना जो भी प्रोसेसर चाहिए आप जा सकते हो, लेकिन 11th जनरेशन की और अगर आप चल जाते हो वो लेटेस्ट प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है। स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस आपको MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बातों को 40,000 के बजट में HP फॉर्डिन देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया HP फॉर्डिन के, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्पेसिफिकेशन है पैसे के अकॉर्डिंग देखा जाए आपको सही मिल जाते हैं। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो आप चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर फोर की। नंबर फोर की बात करूँ, नंबर फोर पर यार मैंने रखी है MI नोटबुक फॉर्डिन को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले यार 2020 में बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत लोगों ने परचेज किया, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, ट्रैक पैड बहुत सही है, उसके बाद इसका टच पैड वगैरह भी आपको ऊपर मिल जाता है, एंड डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको सही मिल जाती है। प्लस पॉइंट की बात करूँ, इसका जो बैटरी लाइफ है, मतलब बैटरी बैकअप है, वो बहुत आपको अच्छा मिल जाता है, आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है ये लैपटॉप, जो कि किसी और लैपटॉप में आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो कि इस लैपटॉप का प्लस पॉइंट आ जाता है। मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूं, तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, आपको 14 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ मिलता है, एंड स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। SSD का बेनिफिट ये होता है, अगर आप ज़्यादा डाटा वगैरह ट्रांसफर कर दो वो जल्दी हो जाता है, एज कंपेरिजन किया जाए HDD के साथ, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटर UHD ग्राफिक मिलेगा 40,000 के बजट में, अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हो आपको MX 350 देखने को मिलेगा 2GB के साथ, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आप एक्स्ट्रा पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड आपको 2GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बातों को 10 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है, प्लस आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करूं, इस लैपटॉप का प्राइस जो है वो आपको 41,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए MI नोटबुक 14 के, आपको लैपटॉप बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी देखने को मिलता है। माइनस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि आपको 8GB रैम तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन तक भी नहीं मिलता, आपको 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता, जो कि सच में एक माइनस पॉइंट आ जाता है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको नंबर 4 पर रखा, और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता। अभी आगे बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, या नंबर 3 पर मैंने रखा है Lenovo IdeaPad Slim 3i को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, अगर आपका बजट 40,000 से भी कम है, आपके लिए बहुत तगड़ा होने वाला, आपको 37,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। प्लस इसके साथ आपको Lenovo लैपटॉप बैग भी देखने को मिल जाता है, जिसका प्राइस आपको 2,000 देखने को मिलेगा। तो यार लैपटॉप का प्राइस हो जाता है 35,000, प्लस अगर आप HDFC या SBI कार्ड यूज़ कर लेते हो आपको 5% या 10% ऑफ देखने को मिल जाता है, आपको 5% की छूट देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके लिए ही प्लस पॉइंट आ जाता है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बातों को i3 10th जनरेशन के साथ भी मिल जाएगा, 11th जनरेशन के साथ भी देखने को मिल जाएगा। जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। 10th जनरेशन भी बहुत तगड़ा है, 11th जनरेशन भी बहुत तगड़ा है, i3 के साथ देखने को मिलता है, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकोगे। स्टोरेज की बातों को 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 12GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाते हैं, MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं, आपको 7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं, आपको ये 37,000 के बजट में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाएगा।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i के भी, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपका बजट कम है आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है एंड इसका प्रोसेसर वगैरह भी तगड़ा है। तो भाई मैं आपको ये भी चीज़ कह देना चाहता हूँ, अगर आपने गेमिंग करनी है आप इन लैपटॉप पर इतनी जो स्मूथली है वो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस आपने रैम को अपग्रेड कर लेना, आपको 8GB तो मिल जाती है लेकिन आपने 8GB तक नहीं रहना, आपने 12GB तक चल जाना या आपने 16GB तक मिनिमम चल जाना, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, आप नॉर्मली यूज़ कर सकोगे। प्लस अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है आप वो भी इन लैपटॉप पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको गेमिंग के लिए नहीं कह रहा बिकॉज आपको ग्राफिक कार्ड इतना तगड़ा नहीं मिलता, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, सो दैट्स वाई, और कोई भी रीज़न नहीं है। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखी है असूस वेबुक अल्ट्रा 15 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ सबसे पहले आपको कलर वगैरह बहुत सही लगने वाले हैं, उसके बाद ये स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ देखने को मिलती है, स्पेसिफिकेशन इसके भी पूरे लोडेड मिल जाते हैं। सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करते हैं, आपको 41,000 के बजट में ये लैपटॉप देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ तो डिस्प्ले की बात को 15.6 इंच का आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आता है। मैं जितने भी आपको लैपटॉप बताऊंगा सभी में आपको 16 रिफ्रेश रेट ही देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करूं आपको i3 11th जनरेशन के साथ मिलता है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, तगड़ा प्रोसेसर है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है, अपग्रेड आप 16GB तक कर सकते हो। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज करना आप कर सकते हो, लेकिन आप रैम को अपग्रेड कर लेना और भी जो स्मूथली आपका सॉफ्टवेयर है वो चलेगा, ठीक है। प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी। ग्राफिक कार्ड की बात करूं इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है, प्लस MS ऑफिस मिल जाता है 2019 वर्जन। बैटरी की बात करूं आपको 6-7 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं आपको 41,000 के असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 के भी, ये लैपटॉप भी सच में बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर आपका बजट 41,000 अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पे कर सकते आप इस लैपटॉप की ओर ही जाना, मैं और कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करने वाला। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका बजट थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है अगर आप 45,000 पे कर सकते हो आप चल जाना नंबर वन की। और मैं बात करूँगा इस तरह स्पायर 5 की, इसके स्पेसिफिकेशन आपको पूरे अपर मिल जाते हैं, आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाएगा, 2GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। तो भाई अगर आपने ऐसा गेमिंग भी करनी है आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है आप कर सकते हो, अगर आपने हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आप कर सकते हो, प्लस अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए आपको भी बहुत सूट करेगा, एंड भाई अगर आप स्टूडेंट हो पढ़ते हो पढ़ाते हो कुछ भी करते हो आपके लिए बहुत तगड़ा होने वाला है। तो बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, एसर स्पायर 5 के मेन स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, आपको 14-inch फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि IPS पैनल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बातों को i5 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूं आपको 8GB रैम मिल जाती है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको NVIDIA GeForce MX350 देखने को मिलेगा 2GB के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी की बात करूं आपको 8 आवर्स का बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है। प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 45,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए एसर स्पायर 5 के भी, अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है एसर स्पायर 5, एंड अगर आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते असूस वीवोबुक अल्ट्रा 15 आपके लिए बहुत गुड डील हो सकती है। एंड अगर आपका बजट कम है 35,000 अगर आपका बजट है तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3i आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। इन 2021 में मैंने बहुत तगड़े आपको लैपटॉप बताया जो कि 40,000 के बजट में पैसा वसूल लैपटॉप है, ठीक है। तो आप इनकी और मतलब जो भी आपके बजट में सेट बैठता है आप उसकी ओर जा सकते हो। यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पे कर दे फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा उसको चौड़ कल ना भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।